देखिए, तो हम बात कर रहे थे बेसिकली कि गेट राइटर मेथड क्या होता है ना, गेट राइटर मेथड कैसे वर्क करता है, ये क्या करता है। तो इसके लिए थोड़ा सा एक कंसेप्ट हम समझते हैं, इनपुट आउटपुट का एक कंसेप्ट होता है। देखिए, इनपुट आउटपुट का कंसेप्ट क्या होता है कि जैसे मान लो कि मेरे पास एक फाइल है, ठीक है। अब मुझे फाइल में कुछ डेटा राइट करानी है, एज्यूम करो मुझे फाइल में डेटा राइट करानी है, ठीक, या फाइल से डेटा रीड करानी है। ये काम अगर आपको जावा में करना है, इसके लिए आपको इनपुट आउटपुट पढ़ना पड़ेगा, फाइल में डेटा राइट कराना या फाइल से डेटा रीड करना, ये काम हमें करना है। तो अगर फाइल में डेटा राइट कराना है या फाइल से डेटा रीड कराना है, ये काम अगर आपको कह दिया जाए करने के लिए, तो जब जो चीज़ हम राइट कराते हैं उसके लिए हम बोलते हैं कि भैया हमें जिस जगह पे हम राइट कराना चाहते हैं, यानी कि फाइल में राइट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें फाइल का आउटपुट स्ट्रीम पता होना चाहिए, क्योंकि आउटपुट स्ट्रीम इज यूज टू राइट द डेटा एंड इनपुट स्ट्रीम इज यूज टू रीड द डेटा, है ना। इनपुट स्ट्रीम डेटा को रीड करता है और आउटपुट स्ट्रीम डेटा को राइट कराता है, ठीक है। और हमारा काम यह है कि हम फाइल में, फाइल के अंदर डेटा को राइट कराना चाहते हैं, तो इनकी फाइल का आउटपुट स्ट्रीम हमें पता होना चाहिए, और फाइल से डेटा रीड कराएंगे तो फाइल का इनपुट स्ट्रीम पता होना चाहिए, यानी कि जिस सोर्स पे डेटा राइट कराना है उसका आउटपुट स्ट्रीम, और जिस सोर्स से डेटा रीड करना है उसका इनपुट स्ट्रीम हमें पता होना चाहिए। ये इनपुट आउटपुट का फंडा है, सिंपल सा फंडा है। इनपुट स्ट्रीम, इनपुट मतलब रीड, आउटपुट मतलब राइट, है ना, ठीक है। अगर मुझे सपोज करो कि मुझे सॉकेट पे डेटा राइट कराना है, तो मुझे सॉकेट का आउटपुट स्ट्रीम पता होना चाहिए, और सॉकेट से डेटा रीड कराना है तो सॉकेट का इनपुट स्ट्रीम पता होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से अब हमारी जरूरत आ गई कि मुझे ब्राउजर पे डेटा राइट कराना है, क्यों? क्योंकि देखो है क्या कि हम अपनी सर्वलेट चला रहे हैं और ये हमारा सर्वलेट है, और सर्वलेट में मैं चाहता हूं कुछ मैसेज लिखूं और वो मैसेज ब्राउजर में पहुंच जाए। तो बताओ जिस सोर्स पे डेटा राइट कराना है उसका क्या आना चाहिए? आउटपुट स्ट्रीम। और जिस सोर्स से डेटा रीड करना है उसका हमें क्या आना चाहिए? इनपुट स्ट्रीम। तो कहीं ना कहीं अगर मैं ब्राउजर पे डेटा राइट कराना चाहता हूं तो ब्राउजर का आउटपुट स्ट्रीम हमें पता होना चाहिए, समझे। और वो ब्राउजर का आउटपुट स्ट्रीम रिटर्न कौन करता है? गेट राइटर। तो गेट राइटर इज अ मेथड, इज अ फैक्ट्री मेथड, जो क्या करता है, हमें ब्राउजर का आउटपुट स्ट्रीम रिटर्न करके देता है। और वो ब्राउजर का आउटपुट स्ट्रीम क्या है हमें जानने की जरूरत नहीं है, वो हर ब्राउजर की इंप्लीमेंटेशन अपने हिसाब से है। अगर क्रोम है तो अलग, इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो अलग, मोजिला है तो अलग, है ना। तो यहां पे कहने का सेंस है कि हर ब्राउजर का अपना एक आउटपुट स्ट्रीम है, अपनी आउटपुट स्ट्रीम का इंप्लीमेंटेशन है। तो ऐसे समझ लो कि हर ब्राउजर बनाने वाला वेंडर्स ने अपने ब्राउजर के अंदर डेटा राइट कराने के लिए, अपने ब्राउजर के अंदर डेटा राइट कराने के लिए प्रिंट राइटर का यूज किया हुआ है, प्रिंट राइटर का यूज किया हुआ है, समझे। और प्रिंट राइटर क्या है? प्रिंट राइटर एक बेसिकली क्लास है जो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है। इसका कंसेप्ट, इसका डायरेक्ट रिलेशन जो है इनपुट आउटपुट से है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से ये प्रिंट राइटर इज हाईली रिलेटेड टू योर ब्राउजर, ठीक है। अच्छा, प्रिंट राइटर को हर ब्राउजर अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर सकता है, अपने हिसाब से इसकी इंप्लीमेंटेशन दे सकता है। तो जितने भी, और ये प्रिंट राइटर क्या है? प्रिंट राइटर एक क्लास है, ठीक है, ये आईओ पैकेज के अंदर पाया जाता है। ध्यान से मेरी बात सुनना, आपको अगर पता हो तो हमारे यहाँ एक होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, होता है ये। तो ये जो प्रिंट एलन होता है ये किस क्लास का मेथड है? मैंने बताया हुआ आप लोगों को, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन तो इनपुट आउटपुट में ही बताई जाती है, लेकिन प्रिंट एलन इज अ मेथड ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास, समझे। प्रिंट स्ट्रीम एक क्लास होती है जो जावा डॉट आईओ पैकेज में पाई जाती है, और ये प्रिंट एलन उसी प्रिंट स्ट्रीम क्लास का मेथड है,
प्रिंटलन किसका मेथड है? प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। प्रिंट एलएन इज अ मेथड ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास। ध्यान से समझिएगा, प्रिंट एलएन मेथड किसका है? प्रिंट स्ट्रीम क्लास का है। मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, ठीक है? इसका काम क्या है और ये सिस्टम डॉट आउट पे क्यों कॉल होता है? क्योंकि क्योंकि सिस्टम का मतलब कंप्यूटर सिस्टम से है, ऐसे समझ लो, है ना? और ये सिस्टम क्लास जो होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम से कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है। इसके पास हमारे कंप्यूटर सिस्टम, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाने का परमिशन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसोल तक पहुंचने का परमिशन होता है, ठीक है? और आउट क्या है? आउट सिस्टम क्लास का ही एक वेरिएबल है जो कि स्टैटिक वेरिएबल है। आउट सिस्टम क्लास का ही एक स्टैटिक वेरिएबल है जो सिस्टम क्लास में डिक्लेयर्ड है। लेकिन क्वेश्चन है कि इस वेरिएबल का टाइप क्या है? तो इस वेरिएबल का टाइप है प्रिंट स्ट्रीम, यानी कि सिस्टम क्लास में प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बना के एक वेरिएबल में रखा गया है जिसको हम रेफरेंस वेरिएबल बोल सकते हैं, जिसका नाम है आउट। तो आउट इज अ रेफरेंस वेरिएबल। आउट इज अ रेफरेंस वेरिएबल। किस क्लास का रेफरेंस वेरिएबल? सिस्टम क्लास का। किस टाइप का वेरिएबल? प्रिंट स्ट्रीम टाइप का। प्रिंट स्ट्रीम टाइप का रेफरेंस वेरिएबल, समझिएगा, प्रिंट स्ट्रीम टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है कौन? आपका आउट। यानी कि आउट में किसका ऑब्जेक्ट आता है? प्रिंट स्ट्रीम का। अच्छा, बट वो प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट किसके लिए आता है? आपके कंसोल के लिए आता है, मॉनिटर के लिए आता है, जिसमें हमें आउटपुट दिखाना होता है। तो फिर वो क्वेश्चन है कि वो ऑब्जेक्ट सिस्टम क्लास में क्यों आता है? क्योंकि वो जो मॉनिटर का ऑब्जेक्ट हमारे पास आता है वो सिस्टम क्लास ही एक क्लास है जो वो आउटपुट सिस्टम तक पहुंचाती है, और हमारा प्रिंट एलन के अंदर लिखे जाने वाला आउटपुट, यानी कि प्रिंट एलन में जो कुछ भी आप लिखते हो, सपोज करो आपने लिखा हेलो हाय बाय कुछ भी, तो ये मैसेज कहाँ पहुंच जाता है? सिस्टम के माध्यम से ब्राउजर पे पहुंच, सॉरी कंसोल पे पहुंच जाता है। कंसोल मतलब जो हमारा ब्लैक स्क्रीन होती है, जो हमारा ब्लैक स्क्रीन किसी का भी हो सकता है, ब्लैक स्क्रीन आपका क्या नाम है, कंसोल का भी हो सकता है, ब्लैक स्क्रीन आपका कहीं ना कहीं जो आप यूज करते हो, दैट इज जो इक्लिप्स का कंसोल होता है, उसका उस तक पहुंच जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ये सब किताब में आपको नहीं मिलेगा। प्रिंट स्ट्रीम है ना, प्रिंट स्ट्रीम, और एक होती है प्रिंट राइटर, ठीक है? अब ये दिक्कत पता है क्यों आ रही है? क्योंकि हमने आउटपुट इनपुट आउटपुट आपको नहीं पढ़ाया है, ठीक है? तो चलिए कोई बात नहीं। पता है प्रिंट स्ट्रीम भी एक क्लास है, प्रिंट राइटर भी क्लास है, और ये दोनों के दोनों ही पाए जाते हैं कहाँ पे? जावा डॉट आईओ पैकेज में, ठीक है? और दोनों के पास ही प्रिंट एलन मेथड है, ऐसे ही मेथड मिलेंगे आपको, प्रिंट एलन मेथड प्रिंट स्ट्रीम के पास भी है और प्रिंट राइटर के भी पास है, ठीक है? दोनों के पास ही ये हमारे मेथड्स हैं, ठीक है? तो एक बार मैं फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की कहानी बताता हूँ। सिस्टम एक क्लास है और आउट सिस्टम क्लास के अंदर का एक वेरिएबल है। आउट सिस्टम क्लास के अंदर का एक वेरिएबल है जो कि स्टैटिक वेरिएबल है, इसीलिए उसको हम क्लास के नेम से कॉल करते हैं। और ये चीज तो खैर आप देख भी सकते हो, आप यहां से डॉक ओपन करिए, फर्स्ट डॉक है आयो पैकेज, आयो में नहीं जाना है हमें, लैंग के अंदर सिस्टम क्लास में जाना है।
ये है सिस्टम क्लास। सिस्टम का मतलब समझ लो कंप्यूटर सिस्टम से, क्योंकि ना कहीं ना कहीं ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग सिस्टम से समझ लो आप। देखो ठीक है, देखो सिस्टम एक क्लास है, फाइनल क्लास है, इसके अंदर ये मैथ स्टैटिक ब्लॉक है जिसके अंदर रजिस्टर नेटिव चल रहा है, ये कंस्ट्रक्टर है, ये इन वेरिएबल है जो इनपुट स्ट्रीम टाइप का है, और ये आउट वेरिएबल है जो कि प्रिंट स्ट्रीम टाइप का है, समझ रहे हो? ठीक है, तो सिस्टम एक क्लास है, आउट सिस्टम क्लास के अंदर का एक स्टैटिक वेरिएबल है। देखो ये सिस्टम क्लास के अंदर स्टैटिक फाइनल वेरिएबल है, लेकिन इसका टाइप है प्रिंट स्ट्रीम। आउट वेरिएबल का जो टाइप है वो है प्रिंट स्ट्रीम, और प्रिंट स्ट्रीम एक क्लास है जो कि आयो पैकेज में पाई जाती है। ठीक है, तो जब प्रिंट स्ट्रीम आयो पैकेज में पाई जाती है और प्रिंट स्ट्रीम का ही मेथड है प्रिंट एलएन, तो हम आयो को इंपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम थोड़ी ना प्रिंट एलएन को कॉल करते हैं। प्रिंट एलएन को कॉल कौन करता है? प्रिंट एलएन को कॉल करता है आपका सिस्टम क्लास। तो सिस्टम क्लास ने आयो को इंपोर्ट कर रखा है, आप ऊपर देखोगे तो सिस्टम क्लास ने आयो को इंपोर्ट कर रखा है, इंपोर्ट आयो, इंपोर्ट आयो, सबसे टॉप वाली लाइन देख सकते हो। तो हम करते तो हम इंपोर्ट करते, सिस्टम क्लास ने कर रखा है। तो ये आ गया। ठीक है, तो कहानी ये है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में कि सिस्टम इज अ क्लास, आउट इज अ स्टैटिक फाइनल वेरिएबल ऑफ सिस्टम क्लास, एंड प्रिंट एलएन इज अ नॉन स्टैटिक मेथड ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास। तो सिस्टम क्लास का वेरिएबल है इसलिए क्लास के नेम से कॉल हो रहा है। अब ये क्लास के नेम से कॉल करते ही आउट वेरिएबल में एक ऑब्जेक्ट आता है, आउट एक रेफरेंस वेरिएबल है प्रिंट स्ट्रीम टाइप का, इसमें तो ऑब्जेक्ट आएगा। अब प्रिंट एलएन एक मेथड है प्रिंट स्ट्रीम क्लास का, तो अगर किसी क्लास का कोई मेथड चलाना है तो उसका ऑब्जेक्ट होना जरूरी है ना, तो ये आउट जो है प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, मतलब रेफरेंस वेरिएबल है, इसीलिए आप आउट कॉल कर रहे हो। इस प्रिंट एलएन में यहां जो भी डेटा डालते हो वो मॉनिटर पे जाता है, कंसोल पे जाता है। कैसे? वो ऐसे जाता है कि आपने यहां पे जो भी डेटा दिया है ना, यहां पे हेलो हाय में जो भी डेटा दिया वो डेटा प्रिंट एलएन के पास गया। अब प्रिंट एलएन में अब प्रिंट एलएन ये देखता है कि मैं किसके ऊपर कॉल हो रहा हूं, तो आउट के ऊपर कॉल हो रहा हूं। आउट के अंदर ऑब्जेक्ट किसका आ रहा है? यहां कहीं लिखा है कि आउट के अंदर किसका ऑब्जेक्ट आ रहा है? नहीं, ये इंटरनल इंप्लीमेंटेशन है। ये आउट के अंदर ऑब्जेक्ट जिसका भी आएगा वहां पे ये डेटा दिखने लगेगा। तो चूंकि आउट सिस्टम से रिलेटेड है इसलिए वो सिस्टम यानी कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है, सिस्टम क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम के पास लेके जाता है, और कहीं ना कहीं प्रिंट स्ट्रीम की इंप्लीमेंटेशन हमारे अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होते हुए है ना, ये आउटपुट हमारे सिस्टम के पास यानी कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हमारे मॉनिटर पे दिखाता है, समझ रहे हो? तो प्रिंट स्ट्रीम की इंप्लीमेंटेशन कोई भी कर सकता है। अभी प्रिंट स्ट्रीम की इंप्लीमेंटेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए की गई है, अगर प्रिंट स्ट्रीम की इंप्लीमेंटेशन ब्राउजर के लिए कर दें तो यह आउटपुट ब्राउजर के लिए दिखने लगेगा। और आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखूंगा और मैं चाहता हूं कि मेरा आउटपुट ब्राउजर पे, सॉरी क्या नाम है, कंसोल पे ना दिखे तो भी नहीं दिखेगा, ऐसा भी पॉसिबल है। फिर से सुनना मैं क्या बात बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखूंगा लेकिन मैं और मेरा आउटपुट आपको कंसोल पे नहीं दिखेगा, फिर वो कैसे मैं कर पाऊंगा? मैं अपने आउटपुट को रिडायरेक्ट कर सकता हूं, कैसे? प्रिंट स्ट्रीम के माध्यम से। मैं प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और प्रिंट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट में फाइल का रेफरेंस डाल दूंगा, मेरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर लिखे जाने वाले कोड फाइल में पहुंच जाएगी। तो जो प्रिंट स्ट्रीम है उस प्रिंट स्ट्रीम को किसी भी हिसाब से ढाला जा सकता है, समझ रहे हो? यानी कि प्रिंट स्ट्रीम में सपोज करो फाइल का रेफरेंस डाल दूं तो फाइल पर डेटा ले जाएगा,
सॉकेट का रेफरेंस डाल दूं तो सॉकेट पे डेटा लेके जाएगा, ब्राउजर का रेफरेंस दे दूं तो ब्राउजर पे डेटा लेके जाएगा, जिसका रेफरेंस दे दूंगा ना, यानी कि प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट किसी भी सोर्स के लिए बनाया जा सकता है। दिस इज आउटपुट स्ट्रीम जो डेटा राइट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इस आउटपुट स्ट्रीम की इंप्लीमेंटेशन कोई भी किसी हिसाब से कर सकता है। चलो ठीक है, तो फिर प्रिंट राइटर क्या है? प्रिंट राइटर प्रिंट स्ट्रीम की ही तरह है, बट एक ही डिफरेंस है कि प्रिंट स्ट्रीम जो है स्काई कोड को फॉलो करती है और प्रिंट राइटर यूनिकोड को फॉलो करती है। प्रिंट स्ट्रीम 8 बिट के फॉर्म में डेटा रीड राइट करती है, प्रिंट राइटर 16 बिट के फॉर्म में डेटा रीड राइट करती है। इसमें केवल इंग्लिश करेक्टर का सपोर्ट है, इसमें हिंदी इंग्लिश चाइनीज सपोज सबका यूनिकोड है ना भाई, यूनिकोड है, समझ में आ रहा है बात, है ना। तो कई बार ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर से आप प्रिंट राइटर क्यों लेते हो, प्रिंट स्ट्रीम क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि प्रिंट स्ट्रीम जो होती है वो स्काई कोड को फॉलो करती है और प्रिंट राइटर यूनिकोड को फॉलो करती है, बस वही कहानी है। प्रिंट राइटर का भी प्रिंट एलन है, प्रिंट स्ट्रीम का भी प्रिंट एलन है, लेकिन प्रिंट राइटर का प्रिंट एलन एक्सेप्शन थ्रोज करता है और प्रिंट स्ट्रीम का प्रिंट एलन कोई एक्सेप्शन थ्रोज नहीं करता है, इसलिए आप उसे डायरेक्ट चला लेते हो। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर मैं प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट किसी फाइल के लिए बना दूं तो वो डेटा फाइल के में राइट करेगा, प्रिंट स्ट्रीम का प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट किसी ब्राउजर के लिए बना दूं तो ब्राउजर पे डेटा राइट करेगा। तो ये जो मेथड है दैट इज गेट राइटर जो आप कॉल करते हो, ये हमें प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट देता है, और वो प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट किसके लिए देता है? वो प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट किसी कह सकते हो कि आपके ब्राउजर के लिए देता है। तो आपने कहा ये गेट राइटर मेथड किसका है, किसने बनाया? तो ये बनाया सर्वलेट के क्रिएटर्स ने, ठीक है ना, कि भैया सर्वलेट के क्रिएटर्स ने एक फैक्ट्री मेथड काइंड ऑफ चीज बनाई जिस मेथड को कॉल करने से आपको प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट मिलेगा, बट वो प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट किसके लिए मिलेगा? जिसके लिए आप रिस्पॉन्स चाहते हो। आप रिस्पॉन्स चाहते हो क्रोम के लिए तो क्रोम के लिए मिलेगा, आप चाहते हो मोजिला के लिए तो मोजिला के लिए मिलेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए चाहते हो तो उसके लिए मिलेगा। तो रिस्पॉन्स जिसमें आप चाहते हो, है ना, जैसे मान लो रिक्वेस्ट आई किसी ब्राउजर से और रिस्पॉन्स आप कहीं और चाहते हो, तो जिस जगह रिस्पॉन्स आप चाहते हो, जिसके लिए आप रिस्पॉन्स चाहते हो, उसके लिए गेट राइटर मेथड चलेगा और प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट देगा। और ये प्रिंट राइटर क्या करता है, उस रिस्पॉन्स के लिए प्रिंट राइटर का अगर ऑब्जेक्ट मिल गया, अब इस प्रिंट राइटर पे प्रिंट एलन जो चलाओगे वो उसी रिस्पॉन्स पे डेटा राइट करके आपको दे देगा, है ना। और आपको मजे की बात क्या बताऊं कि जैसे सर्विस मेथड चलती है तो सर्विस मेथड के चलने से पहले ही रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट्स पहले से ही आ जाते हैं। इसका मतलब हमारे सर्वलेट को पहले से ही पता चल जाता है कि मुझे रिस्पॉन्स कहां देना है, क्योंकि वहां रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट्स पहले से हैं, है ना। सर्विस के अंदर पब्लिक वाइड सर्विस के अंदर लिखा होता है सर्वलेट रिक्वेस्ट सर्वलेट रिस्पॉन्स, यानी कि सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट्स पहले से आ जाते हैं हमारे पास, पहले से हमारे पास हैं वो। और वो किसके लिए है, किस ब्राउजर के लिए है, किस ब्राउजर से रिक्वेस्ट आई है, किस ब्राउजर को रिस्पॉन्स देना है, ये उसके पास पहले से आ चुका है। तो उसी के लिए हम गेट राइटर चला देते हैं, उसी के लिए गेट राइटर चला देते हैं। इसका मतलब उसी रिस्पॉन्स के लिए गेट राइटर हमने चलाया, तो इसका मतलब जो हमें प्रिंट राइटर मिला गेट राइटर मेथड कॉल करने से, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट मिला उसी रिस्पॉन्स के लिए मिला जिसपे मुझे डेटा राइट करानी है, सोर्स मिल गया वो, तो इस पे जब हम प्रिंट एलन चलाते हैं तो वो डेटा उसी सोर्स पे जाके राइट हो जाता है। ये इसकी कहानी है। बढ़िया। नहीं अभी पता है इसको और अच्छे से समझाया जा सकता है, इसको और अच्छे से तब समझाया जा सकता है जब आप इनपुट आउटपुट थोड़ा और अच्छे से समझ लो। अब इसको कहानी तो बहुत सारी है, बहुत सारी भयंकर कहानी है, सही बात है ना। तो इसलिए पहले दिन आपको ये नहीं पढ़ाया जाता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन छोड़ दिया जाता है, कहा जाता है कि रहने दो ये बाद में जानो। तो थोड़ा सा एक बार मैं आपको फिर से थोड़ा सा बताता हूँ, बस आसान भाषा में, बिल्कुल ज्यादा कठिन भाषा में नहीं, कि सिंपल सी कहानी है ये क्वेश्चन, लेकिन इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है
कि प्रिंट राइट आप लिखोगे ना, कहीं सर्वलेट में कई जगह लिखा रहता है और कई बार आप लिख देते हो ऐसे लिखा रहता है कि भाई रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर एंड प्रिंट राइटर मिल गया, और प्रिंट राइटर पे प्रिंट एलन चला देते हो। यहीं पे वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रिंट राइटर क्यों भाई, प्रिंट स्ट्रीम क्यों नहीं? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिंट राइटर भी एक क्लास है, प्रिंट स्ट्रीम भी क्लास है, दोनों आईओ पैकेज में है, दोनों के अंदर प्रिंट एलन है, लेकिन प्रिंट राइटर यूनिकोड को फॉलो करता है, प्रिंट स्ट्रीम स्काई कोड को फॉलो करता है। सर ब्राउजर पे तो जो डेटा आएगा वो तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना, हम चाहते हैं कि हिंदी में आए, इंग्लिश में आए, तमिल में आए, हैं, केवल एक ही फॉर्म में तो हम चाहेंगे नहीं, हम किसी भी फॉर्म में चाहेंगे। तो भैया इसीलिए क्या, इसीलिए प्रिंट स्ट्रीम, सॉरी प्रिंट राइटर, ना कि प्रिंट स्ट्रीम, तो सर इसीलिए प्रिंट स्ट्रीम। ठीक, अच्छा, या प्रिंट राइटर जो भी है, ठीक है। फिर वो कहता है कि भाई इसको जरा समझाओ ये क्या करता है रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। तो आप बोलोगे सर रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर हमें ब्राउजर का आउटपुट स्ट्रीम रिटर्न करके दे देता है जिसपे हम डेटा राइट कराते हैं, ठीक है। तो ये कहता है ब्राउजर का आउटपुट स्ट्रीम कहाँ, ये तो प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट है। तो प्रिंट राइटर इज अ आउटपुट स्ट्रीम क्लास, प्रिंट राइटर एक आउटपुट स्ट्रीम क्लास है जिसका काम होता है डेटा को राइट कराना। पता है पूरे आईओ में दो ही चीज होती है, एक इनपुट और एक आउटपुट, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम, दो चीज होती है। इनपुट स्ट्रीम यूज फॉर रीडिंग द डेटा, आउटपुट स्ट्रीम यूज फॉर राइटिंग द डेटा, ठीक है। आईओ में पढ़ोगे आप इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है, लेकिन इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम जो है ये स्काई कोड को फॉलो करने वाली क्लासेस हैं। और एक और क्लासेस दो मिलेंगी, दो नई क्लासेस और मिलेंगी आपको, रीडर राइटर, है ना। तो इनपुट स्ट्रीम इज रीडर, आउटपुट स्ट्रीम इज राइटर, इक्विवेलेंट है बट डिफरेंस है वो यूनिकोड स्काई कोड और कोई डिफरेंस नहीं है, 8-bit 16-bit, ठीक है। तो यानी कि जब राइटर की बात आए तो दिमाग में आना चाहिए आउटपुट स्ट्रीम, जब रीडर की बात आए तो इनपुट स्ट्रीम, है ना, ठीक है। तो प्रिंट राइटर इज ए काइंड ऑफ आउटपुट स्ट्रीम है, ठीक है। तो जब आप गेट राइटर चलाते हो तो आपको एक आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट मिलता है, लेकिन वो आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट किसके लिए मिलता है, जिसके लिए आपको रिस्पांस चाहिए, है ना, रिस्पांस जिस ब्राउजर में चाहिए, जिस ब्राउजर के लिए आप रिस्पांस चाहते हो उसके लिए मिलता है आपको, ठीक है। तो बाकी सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एलन की कहानी है कि सिस्टम में क्लास है आउट, उसका एक स्टैटिक वेरिएबल है प्रिंट स्ट्रीम का, प्रिंट एलन मेथड है। तो जब आप प्रिंट एलन लिखते हो कोई भी, तो ये प्रिंट एलन ये चेक करता है कि यार किस ऑब्जेक्ट पे कॉल हो रहा है। तो उसने देखा कि भाई मैं प्रिंट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट पे कॉल हो रहा हूं। अच्छा, ये प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट किस सोर्स के लिए है? उसने देखा कि भाई ये तो सिस्टम के लिए है, तो इसलिए आउटपुट आपके सिस्टम यानी कि आपके कंसोल तक पहुंचा देता है। अगर ये सोर्स बदल दिया जाए तो वहां पे ये डेटा राइट कराने लगेगा। इसके लिए मेथड है, सिस्टम क्लास का एक मेथड है सेट आउट, आपको नीचे मिलेगा सिस्टम क्लास का सेट आउट मेथड, सिस्टम क्लास का सेट आउट मेथड मिलेगा आपको। देखो सेट इन सेट आउट, देखो सेट आउट मेथड है, और इसमें किस टाइप का पैरामीटर जा रहा है, प्रिंट स्ट्रीम। तो पता क्या करना पड़ेगा आपको, एक प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और उस प्रिंट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के अंदर मान लो कि मैं दे देता हूं ब्राउजर का ऑब्जेक्ट, है ना, प्रिंट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के अंदर ब्राउजर का रेफरेंस पहुंचा देता हूं मैं किसी भी तरह से, और ये मेथड चला दूं। तो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अगर लिखूंगा तो आउटपुट हमारे ब्राउजर पे पहुंच जाएगा। ये भी तरीका है, फाइल का रेफरेंस दे दूं फाइल भी पहुंच जाएगा। तो इसकी कहानी यही थी बस कि गेट राइटर से हमें ब्राउजर का आउटपुट स्ट्रीम मिल जाता है और डेटा उसी पे ही जो भी हम राइट कराते हैं वो ब्राउजर पे दिखने लगता है। तो जिस सोर्स पे डेटा हमें चाहिए उस सोर्स का आउटपुट स्ट्रीम चाहिए, जिस सोर्स डेटा रीड करना है उसका इनपुट स्ट्रीम चाहिए। जैसे गेट राइटर होता है ना रीड करने के लिए, ऐसे ही रिक्वेस्ट डॉट
रिक्वेस्ट डॉट, केवल अब जैसे ये गेट, आपने गेट पैरामीटर चलाया था याद है, तो गेट पैरामीटर ये कहीं ना कहीं रीडिंग का काम करता है, यहाँ इनपुट स्ट्रीम चलता है, और हमारे पास इनपुट स्ट्रीम भी करके मेथड होना चाहिए। इनपुट स्ट्रीम, देखो गेट इनपुट स्ट्रीम भी मेथड हमारे पास होता है, जो डेटा को, जो रिक्वेस्ट से आने वाले सारे इनपुट स्ट्रीम को रीड कर सकता है ना। तो यानी कि ये समझ लो कि जब इनपुट आउटपुट आप पढ़ते हो, वहीं से आपका मतलब इनपुट आउटपुट के कंसेप्ट पे सॉकेट प्रोग्रामिंग पूरा मतलब चलता है इंटरनली, है ना। और सॉकेट प्रोग्रामिंग के ऊपर आपका पूरा सर्वलेट चलता है, और सर्वलेट के ऊपर सारे सर्विसेज वगैरह चलते हैं आगे चल के। तो सारा खेल आयो का है, इनपुट आउटपुट का ही है आगे चल के, है ना। तो वही कहते हैं कि अगर आपको वो सारा चीज़ नहीं आता है तो ये सब समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, वट एवर, कहानी समझ में आ गई। कौन सा सारा चीज आपको है? हाँ जी, वो सारा चीज मतलब कौन सा सारा चीज? कौन सा सारा चीज मतलब नहीं समझा मैं, सारा चीज क्या मैं बोला, मैं खुद ही बोल गया। मतलब मैं ये बोल रहा था कि सर्वलेट को सीखने के लिए फिर जेएसपी सीखोगे, फिर वेब सर्विस बनाओगे, आगे जो भी चीज़ करोगे, आगे की जो भी मतलब लेटेस्ट कंसेप्ट पढ़ोगे, फ्रेमवर्क्स वगैरह जो भी सीखोगे, वहाँ पे क्या है कि ये सॉकेट प्रोग्रामिंग का ही खेल है, ये इनपुट आउटपुट का ही खेल है। तो ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये रिक्वेस्ट क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, और इनपुट स्ट्रीम क्या है, आउटपुट स्ट्रीम क्या है, डेटा रीड कैसे होती है, राइट कैसे होती है ना। तो ये सारा चीज़ की बात कर रहा था मैं। ठीक है, तो अब बात आ जाता है हमारा कि भाई ये चीज़ तो हो गया, सर्वलेट के सारे तरीके समझ में। अब सर्वलेट का पूरा लाइफ साइकिल आपको पता होना चाहिए, है ना, पूरी वेब एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल पता होना चाहिए कि कैसे कैसे कहानी चलती है, क्या क्या कहानी चलता है, ये पता होना चाहिए। आवाज नहीं, क्या क्या जेनेरिक सर्वलेट सीरियलाइजेबल को क्यों इंप्लीमेंट करता है? देखो, सीरियलाइजेबल इज अगेन अ पार्ट ऑफ इनपुट आउटपुट, है ना, वो आयो का ही पार्ट है अगेन, है ना। सीरियलाइजेबल जो होती है वो डेटा की परसिस्टेंसी के लिए होती है। अगर आप सर्वलेट ही नहीं, जेनेरिक सर्वलेट ही नहीं, आपको मैं बता दूं स्ट्रिंग क्लास भी सीरियलाइजेबल को इम्प्लीमेंट करती है। जेनेरिक तो करती ही करती है, स्ट्रिंग क्लास भी करती है, एरे जो आप बनाते हो, प्रॉक्सी क्लासेस, वो भी सीरियलाइजेबल को इम्प्लीमेंट करती हैं। सीरियलाइजेबल इसलिए ज़रूरी होता है जब डेटा नेटवर्क पर ट्रेवल कराना होता है, समझ रहे हो। जैसे आप एक जगह से डेटा दूसरी जगह लेके जा रहे हो, है ना। अब ऐसे ही देख लो आप, जैसे सपोज करो कि आप ब्राउज़र से रिक्वेस्ट लेके जा रहे हो, फिर ब्राउज़र सर्वर पे गई, सर्वर से फिर रिस्पांस आया, फिर वो रिस्पांस कहीं और गया, फिर वो कहीं और गया, फिर वो कहीं और गया। तो इस तरह से रिक्वेस्ट रिस्पांस आपका घूमता रहता है। तो जब आपका रिक्वेस्ट एक सोर्स से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे जगह से चौथे जगह ऐसे जाता है, नेटवर्क पर ट्रेवल होता है, तो वहाँ डेटा लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपके आपके रिक्वेस्ट के साथ, आपके रिस्पांस के साथ डेटा भी जाता है नेटवर्क पे, समझ रहे हो। और वो डेटा जब नेटवर्क पे एक जगह से दूसरी जगह जाता है, फिर वहाँ से रिस्पांस आता है, उस केस में आपका डेटा लॉस ना हो, डेटा आपका परसिस्ट हो, डेटा आपका हाइबरनेट हो, परसिस्ट का मतलब जो स्टेट आपकी है वो मेंटेन रहे, दैट इज परसिस्टेंसी, जो डेटा है वो एज इट इज पड़ा रहे, उसके लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टाइप होना चाहिए वो सीरियलाइजेबल होना जरूरी होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को नेटवर्क पे ट्रेवल कराया जा रहा है, अब रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट, रिस्पांस का ऑब्जेक्ट, सर्वलेट का ऑब्जेक्ट, ये सब एक ऑब्जेक्ट ही तो है, तो ये ऑब्जेक्ट्स को जब नेटवर्क पे ट्रेवल कराया जाएगा तो इनमें डेटा लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो इनका डेटा लॉस ना हो इसके लिए हमें अपने सर्वर को एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन देना होता है, अपने रन टाइम को एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन देना होता है कि भाई हे सर्वर या हे रन टाइम एनवायरमेंट, आप हमारे इस डेटा को लॉस होने से बचाइए, इसको परसिस्ट करके रखिए, जो इसकी स्टेट है वो उसको मेंटेन करके रखिए, जो डेटा अभी यहाँ से भेजा जा रहा है वही डेस्टिनेशन पे पहुँचे। ऐसा करने के लिए सर्वर कहता है कि ये एक कॉस्टली प्रोसेस है, ये काम मैं सबके लिए नहीं करूँगा, ये काम मैं उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के लिए करूँगा जिसका टाइप सीरियलाइजेबल होगा, जिस ऑब्जेक्ट्स का टाइप सीरियलाइजेबल होगा। हाँ जी, जिस ऑब्जेक्ट का टाइप सीरियलाइजेबल होगा। टाइप सीरियलाइजेबल कैसे वो चेक करेगा, यानी कि जो क्लास सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी। अब जो क्लास सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी तो वो मैं चेक कर लूंगा इंटरनली, कैसे चेक कर लूंगा कि ये दिस इज द इंस्टेंस ऑफ सीरियलाइजेबल, अगर ये सीरियलाइजेबल का इंस्टेंस है तो इसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के इसके डेटा को मेंटेन करके सर्वर से डेस्टिनेशन तक, सोर्स से डेस्टिनेशन तक, जहां से जहां तक चाहिए वो मैं पहुंचा दूंगा। समझे? परवेज म्यूट क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, ठीक है, समझे तमाल या नहीं समझे? ये होता है सीरियलाइजेबल। भाई आपको अगेन इनपुट आउटपुट पढ़ाया जाएगा, है ना? मैंने आपसे बताया ना कि अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं निकल पाया, तो अभी मैं थ्रेड पढ़ा रहा हूँ, थ्रेड मेरा कंप्लीट हो जाता है, थ्रेड के बाद मैं इनपुट आउटपुट ही शुरू करने वाला हूँ नेक्स्ट या उसके वीक में, तो उस आपको बुला लूंगा, ठीक है? तो वहाँ पे सीरियलाइजेबल आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, सीरियलाइजेशन पढ़ाया जाएगा। सीरियलाइजेशन जो होता है उस, और सीरियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू द स्ट्रीम एंड स्ट्रीम इनटू द ऑब्जेक्ट, और वो सीरियलाइजेशन करने के लिए सीरियलाइजेबल होना जरूरी होता है ना? और वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह डेटा लेके जाएंगे और फिर वहाँ से लेके आएंगे, और इस सब के लिए वही है सीरियलाइजेबल होना जरूरी है। तो जिस क्लासेस का सीरियलाइजेशन होता है, और सीरियलाइजेशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम में कन्वर्ट करना। अब ये ऑब्जेक्ट स्ट्रीम में तो जा रही है यार, आप ब्राउजर से रिक्वेस्ट सर्वर पे ले जा रहे हो, सर्वर से रिस्पांस ब्राउजर पे ले आ रहे हो, ये सब नेटवर्क का ही काम है, नेटवर्क पे ही ट्रवर्सल हो रहा है ना? म्यूट कर लीजिए। आवाज रुक रहा पता। तो जो मैंने आप लोगों को बताया ये सीरियलाइजेबल सीरियलाइजेशन की पूरी कहानी जो बताई, समझ में आया? तो थोड़ा सा और इसमें, मतलब इसमें और काम करा जा सकता है और समझा जा सकता है। अच्छा, ये जो सीरियलाइजेशन होता है इसका पर्पस होता है परसिस्टेंसी को मेंटेन करना, और परसिस्टेंसी के फिर उसमें आपने एक वर्ड दिखाया था मुझे लास्ट टाइम पे कि वो चीज़ हम हाइबरनेट में समझेंगे, हाइबरनेट में जानेंगे, तो वो हाइबरनेट से रिलेटेड है क्योंकि परसिस्टेंसी आप हाइबरनेट पे भी मेंटेन करते हो, और परसिस्टेंसी का मतलब ये होता है वो ऑब्जेक्ट की स्टेट को मेंटेन करना, कि जो ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट का डेटा है, जिस तरह से है वो उसी तरह से मेंटेन रहे, राइट? तो हाँ जी, क्या पूछ रहा है, कौन क्या पूछ रहा है बताइए। हाँ, क्या आप पूछ रहे हो परवेज? परवेज कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे तुम। हेलो, हाँ तुमसे ही पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे थे तुम कुछ। आवाज आ रही है? परवेज आवाज आ रही है? सर,
पूछो क्या पूछ रहे सर, मैं ये पूछ रहा था, अगर डाटा हमको राइट करवाना है ब्राउजर पे, ब्राउजर का पेज पर, तो नहीं बोलोगे? पढ़ा सर, उनको सर नेटवर्क वगैरह से लोग सर, मुझे लग रहा है वो ये पूछना चाह रहा है कि हम लोग को सॉकेट को मीट करने के बाद कुछ शुरू कर रहे हैं, तो वही मैसेज अगर आ हेलो। जाए। हाँ परवेज बोलो। हेलो। हाँ हाँ बोलो। सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे मतलब कोई डाटा है मेरा पास, जैसे कि सर्वर पे मेरा पास डाटा है ना, ब्राउजर से मैंने गेट किया, पैरामीटर मैंने स्टोर कर रखा सर्वर पर। अब मेरे को उसी डाटा को फिर से हमको ना ब्राउजर पे शो करना है एक पार्टिकुलर जगह में, तो कैसे करेंगे सर? एक हम जब भी डाटा को एक शो करवाते, एक हम सर सर्वरलेट का पेज में करवाते, डायनेमिक एक पेज क्रिएट करते हैं, उसी में शो होता है, तो अभी तो ना आपको हमको रिस्पांस पेज का में नहीं हिसारा करना लेना है। पड़ेगा, आपको रिस्पांस का गेट राइटर मेथड चलाना पड़ेगा, क्योंकि आप रिस्पांस ब्राउजर में दिखाना चाहते हो। तो रिस्पांस डॉट गेट राइटर से प्रिंट राइटर मिल जाएगा, और प्रिंट राइटर का जो प्रिंट एलन है उसी में ही सारा काम आपको करना पड़ेगा। अगर उसको आप टेबल ओबल में डिज़ाइन करना चाहते हो तो TRTD का पूरा कोड लिखना पड़ेगा, यानी कि जो भी करना होगा वो प्रिंट एलन में ही करना होगा। प्रिंट एलन में जो भी कर दोगे वो आपको ब्राउजर में पहुंच जाएगा, जैसे मैं आपको सर करके दिखा जैसे देता हूँ। कि जैसे मान चल, मैं जैसे जैसे बात नहीं करते हैं, जैसे काम कर लेते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे जैसे ये हमारा है, राइट क्लिक करके न्यू करके हमने एक बना लिया सर्वलेट, अदर में गया, यहाँ से बनाया सर्वलेट। और थोड़ा सा आपका स्लो आ रहा है क्योंकि इंटरनेट के लिए, एक बार आप फिर से शेयर कर दीजिए। अच्छा, दोबारा शेयर कर दूं? क्या हो रहा है ना, आप बात खुल रहे हो और आपको उसकी स्लो चल रहा है, तो बार दोबारा एक मैंने नहीं। शेयर कर दिया है, ये लीजिए। अभी स्क्रीन दिख रही है? अब मैंने यहाँ पे एक सर्वलेट क्लास बनाने जा रहा हूँ, म्यूट कर लीजिए, जिसका नाम है डेमो। म्यूट कर लीजिए, डेमो सर्वलेट। तो डेमो सर्वलेट इस तरह से मैंने एक क्लास बना लिया, इसका URL यही है, और इसके अंदर ये सब मेथड आ जाएंगे। ये डेमो सर्वलेट बन गया, राइट। अब यहाँ पे बहुत सारा कोड आ जाता है, इन कोड्स की ज़रूरत नहीं है हमें, बस ये डू पोस्ट मेथड रहने देते हैं। तो सर्वलेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट नहीं किया है हमने, HTTP सर्वलेट क्लास को एक्सटेंड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो हमारा आउटपुट कंसोल पे दिखता है। तो जरा इसको हम चला के देखते हैं। राइट क्लिक, रन एस, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट एंड फिनिश। तो ये आ गया हमारा मेन, मतलब वो HTML पेज। यहाँ से हम डेमो सर्वलेट को SERVLET इसको रन करते हैं। तो देखिए, मेथड नॉट अलाउड हियर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट जाती है वो गेट मेथड से जाती है, और हमने बना रखा है डू पोस्ट, तो यहाँ बनाना पड़ेगा डू गेट। या तो फॉर्म बनाऊँ और उसमें पोस्ट लेके जाऊँ,
इसको सेव किया, अब ये रीलोड हो जाएगा, और रिफ्रेश किया तो ये चल गया, यहाँ पे देखिए हेलो आ गया। लेकिन बस यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ रिस्पॉन्स, ठीक है, डॉट गेट राइटर और डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, तो अब यही आउटपुट हमें यहां दिखने लगेगा, ब्राउजर में आने लगा। तो मान लीजिए आपने कोई वेब पेज बनाया है जहां से आप डेटाबेस से डेटा ले जा रहे हो, ले आ रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, डजंट मैटर, आप कहीं से मान लीजिए आपके पास डेटा आ गया और आप उस डेटा को डिजाइन करना चाहते हो इस सर्वलेट पे, है ना, तो जो कुछ भी डिजाइन करना चाहते हो, जो कुछ भी दिखाना चाहते हो, वो सब इसी प्रिंट एलन में ही करोगे आप, है ना। बल्कि इसको क्या करो, एक वेरिएबल में होल्ड कर लो जिसका नाम होता है हमारा प्रिंट राइटर पीडब्ल्यू, और पीडब्ल्यू में जो कुछ भी आप डिजाइन करोगे पीडब्ल्यू डॉट प्रिंट एलन। अब जैसे मैं इसमें पूरा वेब पेज डिजाइन करना चाहता हूं, यानी कि सर्वलेट के माध्यम से पूरा वेबसाइट डिजाइन करना चाहता हूं, मतलब वेब पेज की पूरी डिजाइनिंग करना, एचटीएमएल का पूरा कोडिंग करना चाहता हूं, तो आप आपको कहीं और नहीं जाने की जरूरत है, आप बस ऐसे कर्ली ब्रैकेट ओपन करिए, सॉरी एंगुलर ब्रैकेट, और क्लोज करिए, सॉरी, ठीक है, यहां पे लिखिए एचटीएमएल, एक मिनट, एचटीएमएल, ठीक है, ओपनिंग, फिर एचटीएमएल के बाद होता है, सॉरी एचटीएमएल होता है, और क्या होता है, हेड होता है, हेड, एच ई ए डी, टाइटल होता है, टाइटल होता है, बॉडी होती है, क्लोजिंग, मतलब हाँ क्लोजिंग टैग, हेड लेना मैं लिखूंगा ही नहीं, मैं बॉडी लिखूंगा, बॉडी के अंदर एचटीएमएल लिखा हमने, बॉडी लिखा, और बॉडी का यहां पे लिख दिया हमने बीजी कलर इक्वल टू, ठीक है, और यहां पे सिंगल कोड के अंदर मैंने दे दिया रेड, ठीक, इसी को कॉपी करूंगा। अब देखो क्लोजिंग कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन क्लोजिंग कर देना चाहिए, यहां बॉडी को क्लोज कर दिया, है ना, बॉडी, और फिर एचटीएमएल को क्लोज कर दिया, ठीक है, और आप देखोगे रिफ्रेश करके ये आ गया रेड, समझ रहे हो। अब यहां पे बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखोगे आप प्रिंट एलन में, जैसे सपोज करो कि मैंने यहां पे लिख दिया हाय, हेलो, हेलो सर्वलेट, है ना, ठीक, सेव कर दिया, ये देखो ये आपके सेव नहीं हुआ क्या, ये देखिए हेलो सर्वलेट यहां पे आ गया। अब आपने कहा नहीं मुझे टेबल डिजाइन करना है इस आउटपुट को, यानी एक टीआरटीडी होता है ना, टेबल होता है, ठीक, वो सब कुछ बनाना है, तो आप इसी बॉडी के अंदर फिर टेबल का टी आर टी डी का पूरा कोड लिख सकते हो, है ना, आप यहीं पे लिखो ऐसे टेबल, ठीक है, टेबल के अंदर होता है टी आर, है ना, फिर होता है आपका टी डी, ठीक, और टी डी में क्या लिख दिया हमने, एक बनाया है टेबल, फिर टी आर, फिर टी डी, टी डी में हमने ले लिया, क्या ले लेते हैं, लिख देते हैं, अच्छा टेबल टी आर टी डी, कॉपी पेस्ट, राइट, और यहां पे हमने लिख दिया इंटर, इंटर नेम, है ना, और फिर टी डी को बंद करके फिर टी आर को क्लोज करना है, वट एवर जो कुछ भी करना है ना, आप पूरा डिजाइनिंग का सारा कोड, सारा रिस्पांस को दिखाने का कोड, यहां पे टी डी को हमने बंद कर दिया, फिर
टीआर को हमने बंद कर दिया, ठीक है, ये टीआर बंद हो गया, टीडी हो गया, यानी कि एक रो हमारा क्रिएट हो गया। अब इसी रो में मुझे बनाना है इनपुट फील्ड, है ना, लेकिन टीडी बंद करते हैं, टीआर वही रहने देते हैं, उसी टीआर में एक इनपुट फील्ड बनाना है मुझे। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे इनपुट फील्ड को बनाने का कोड लिख सकता हूं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू इनपुट टाइप इक्वल टू, और अब डबल कोड के अंदर डबल कोड नहीं चलता है इसलिए मैं सिंगल कोड में लिख रहा हूं, क्योंकि ये डबल कोड है ना ऑलरेडी, इसके अंदर डबल कोड नहीं चलेगा, इसलिए सिंगल कोड में इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिख दिया, तो टेक्स्ट फील्ड बन के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जस्ट एक डेमो के पर्पज से मैंने यहां पे बता दिया, तो क्या टेक्स्ट फील्ड बन के आ गया, लिख सकते हो। क्या पूछ रहे थे, यही पूछ रहे थे परवेज, क्या करना है सर? मेरा ये था सर, जैसे हम लोग एक पेज एचटीएमएल पेज बनाए ना इनपुट योर नेम बोलकर ना, और वहां से हमने नाम ले लिए गेट पैरामीटर के थ्रू से, ओके सर, ले लिए ना, अब उसी के नीचे एक रिजल्ट का वो बना दिए ना, जैसे मतलब नाम ले लिया, रिजल्ट में क्लिक करेगा उसी के नीचे एक प्रिंट होकर आए उसका नाम पर्टिकुलर जगह में। तो उसी के नीचे उसका नाम आए, मतलब किसके नीचे किसका नाम आए, स्टार्टिंग से जैसे कि मान लीजिए एक एचटीएमएल पेज बना है, ठीक है सर, मैंने एक एचटीएमएल पेज बनाया है, यूजर नेम पासवर्ड है, ओके सर, एक सॉरी एक मिनट, इंटरव्यू फर्स्ट नंबर इंटरव्यू, एक मिनट, ये हमारा एचटीएमएल पेज है, यहाँ पे हमने नेम डाला, यहाँ पासवर्ड डाला और सबमिट करा, हाँ तो क्या चाहते हो? हाँ सर, यहाँ जहाँ पर आपने यूजर नेम और पासवर्ड लिखे ना सर, वहाँ इंटर फर्स्ट नंबर इंटर सेकंड नंबर होगा, ठीक है, जो भी है, हाँ और नीचे और एक टेक्स्ट फील्ड बना रहेगा, वहाँ पर रहेगा रिजल्ट, और जैसे सबमिट करोगे तो रिजल्ट यहीं पे आ जाना चाहिए ना, हाँ उसके नीचे आ जाना चाहिए रिजल्ट, तो रिजल्ट आएगा। तो मैंने तो इनपुट ले लूंगा यहाँ से एचटीएमएल पेज से दो नंबर का, सर्वर के ऊपर कैलकुलेशन चला दूंगा, फिर वापस भेजना कैसे इसमें, तो नीचे वाला बॉक्स वापस भेजने के लिए तो तुमको बताया जा रहा है कि ये रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर से ये पूरा कोड तुम्हें करना पड़ेगा, ये सारा कोड करना पड़ेगा, यही तो चीज तो बताई जा रही है यहाँ पे, कि अगर ये चाहते हो कि तुम्हें, अच्छा उस एचटीएमएल पेज पे अगर तुम्हें रिस्पॉन्स भेजना है तो रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर से तो तुम्हारा जो डेटा होता है वो ब्राउजर पे दिखता है, और एचटीएमएल पेज पे तुम इस तरह से डेटा नहीं भेज पाओगे, एचटीएमएल पेज पे वो डेटा भेजोगे तो एचटीएमएल उसे कैसे मतलब ऑपरेट कर पाएगी, दिक्कत तो यही बात हो जाती है ना, सर्वलेट जो होती है वो अपने अंदर एचटीएमएल को लिखती है, सर्वलेट कहती है कि एचटीएमएल मेरे अंदर लिखो, अगर आपको HTML का कोड लिखना है तो या वो पूरी डिजाइनिंग का करना है तो बस आप यही कर सकते हो कि एक ऐसे ही रिस्पॉन्स डॉट HTML मतलब करके वो पूरा डिजाइनिंग का कोड उठा के इसी सर्वलेट में ही डाल दो और फिर वो रिजल्ट उसी के नीचे दिखने लगेगा, समझे? तो मतलब एक HTML पेज अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, जिसे हम लोग बनाते हैं इनपुट लेते हैं, मतलब उसी के अंदर बना दो, वहीं से इनपुट लो, वहीं पर प्रिंट करवा, वहीं पे ले ले इनपुट, वहीं पे प्रिंट करवा लो, वहीं पे आपको रिजल्ट भी आ जाएगा। तो मतलब एक अलग से हम लोग एचटीएमएल पेज बना के वहां से गेट पैरामीटर करते वो करने की जरूरत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं करना है, उस तरह से वो काम भी नहीं करता है ना सर्वलेट। अब तुम सोचो कि जैसे मान लो कि तुमने यहां से क्या कर दिया कि वो डेटा तुमने कैलकुलेट करके और रिस्पॉन्स में भेज दिया, ठीक है, तो रिस्पांस में जब भेजोगे तो वो तो डायनेमिक पेज पे ही दिखेगा ना, एचटीएमएल पेज पे तो दिखेगा नहीं।
तो HTML जो होता है वो स्टैटिक होता है ना, HTML में डायनेमिक कंटेंट नहीं दिख सकता है। हाँ, उस पूरे HTML को अगर तुम सर्वलेट में डाल दोगे तो वो दिखने लगेगा। अगर उस पूरे HTML को ना सर्वलेट में डाल दो तो फिर वो डायनेमिक बन जाएगा। तो मतलब गेट पैरामीटर लेने से पहले ही डालना पड़ेगा। गेट पैरामीटर लेने पर एक काम कर सकते हो ना, सुनो, एक काम कर सकते हो, मैं बताता हूँ। देखो, जैसे तुम ये सर्वलेट बना रहे हो, ठीक है, ध्यान से सुनना, इस सर्वलेट में ये डिजाइनिंग कर रहे हो, ठीक। इधर सुनो, इधर इधर देखो, ये है आपका डिजाइनिंग, ठीक, ये डिजाइनिंग है, HTML का कोड है। पहला काम तो ये करोगे कि इस पूरे HTML को जिसमें लिखा है इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर और रिजल्ट विजल्ट जो भी आपने डिजाइन करा है, इस पूरे चीज को उठा के कहाँ डाल दोगे, इस पूरे चीज को उठा के डाल दोगे इसी सर्वलेट के अंदर, आउटडॉट प्रिंटलन के अंदर, प्रिंटलन के अंदर डाल दिया। अब जब तुम अपनी एप्लीकेशन को चलाओगे तो यही पेज ओपन होके आएगा, समझे। और जब बटन पे सबमिट करोगे तो सबमिट पे जो रिस्पॉन्स होगा वो इसी पेज का ही दे देना, सेम पेज का ही दे देना, काम हो जाएगा। सर, आप जो लॉगिन पेज बनाए ना सर, उसी को डाल के दिखाइए, जो लॉगिन करने के बाद नीचे यूजर नेम पासवर्ड दिखा दे। यहाँ पे ये लॉगिन पेज था ना, ये इंडेक्स पेज था ना, यही था ना, बॉडी TRTD फॉर्म एक्शन। तो देखो, हमने इतना तो बना ही लिया है, HTML बॉडी कलर बना लिया है, टेबल बना लिया है, TR बना लिया है। TRTD बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेबल में ही बना लेते हैं। ये जो पूरा कोड है फॉर्म के थ्रू, फॉर्म से ये पूरा कोड जो लिखा गया है, ये पूरा कोड यहाँ से TRTD को हटाओ, इसे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो बॉडी के अंदर डायरेक्टली मैं ले लेता हूँ फॉर्म और उसका एक्शन, ठीक है। बॉडी म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो प्लीज। ठीक है, तो HTML हो गया, बॉडी हो गया, कलर हो गया। अब यहाँ पे बनाएंगे हम फॉर्म। तो यहाँ से हमने कॉपी किया, ये हमने फॉर्म बना दिया, फॉर्म हो गया, फॉर्म का एक्शन। हम एक्शन इज इक्वल टू का क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसी पेज का एक्शन दे देंगे कि जब बटन पे क्लिक करोगे तो इसी पेज पे रिक्वेस्ट जाएगी, दैट इज रेमो सर्वलेट। ठीक है, बाकी सब हटा देते हैं। तो सबसे पहले हमारा फॉर्म बंद होगा, फिर कॉपी पेस्ट, फॉर्म बंद होगा, बॉडी बंद होगी, सर्वलेट बंद होगा, ठीक है। और क्या करेंगे अब हम, इसी में ही यहां पे अब हम बना देंगे अगली डिजाइनिंग का कोड, हम लिखेंगे यहां से एक लेबल और इनपुट फील्ड, BR, सबमिट बटन, ये सारा चीज चाहिए हमें। तो ये हमने यहां पे डाल दिया, ठीक है, out.println के अंदर डबल कोड के अंदर हमने ले लिया लेबल, और फिर हमने ले लिया इनपुट फील्ड,
अब यहां पे हमें इसको सिंगल कोड में डालना पड़ेगा, टेक्स्ट अ नेम इज इक्वल टू, नेम में लिख के लिख देना है एफ आई आर एस टी फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर ये बी आर, और इंटर नेम की जगह पे इंटर फर्स्ट नंबर ले लेंगे, फर्स्ट नंबर, ठीक है, इंटर फर्स्ट नंबर हो गया, लाइन ब्रेक हो गया, इसको हटा देते हैं और इसको अब कर देंगे हम डबल कोट के अंदर, ये दिक्कत है थोड़ा सा, यही सारा डिजाइनिंग, फिर इसी को कॉपी पेस्ट एंड फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर रिजल्ट, तो ये हो जाएगा सेकंड, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा रिजल्ट, फर्स्ट और यहां पे सेकंड, ठीक है, रिजल्ट, अब इस इनपुट फील्ड लेबल बंद हो गया, इनपुट फील्ड मैंने यहां बंद नहीं किया, यहीं पे बंद कर देना चाहिए, यहीं पे बंद कर दीजिए, ठीक है, अब ये बचा हमारा अगला println, और इसमें हमने उठा के डाल दिया अगले टेक्स्ट फील्ड को, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और वैल्यू में दे दिया हमने सम, फिर इसको कर दिया हमने डबल कोट के अंदर बंद एंड सेमी कॉलन, फिर एचटीएमएल बंद हो गया एंड फॉर्म बंद हो गया, सारा चीज बंद हो गया, सॉरी यहां पे नहीं होगा, यहां पे होगा, ठीक है, अब बैक करेंगे हम, हमारी सर्वलेट का नाम था डेमो सर्वलेट, ये देखो ये पूरा हमारा डिजाइन हो गया, आ गया इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर और रिजल्ट, जैसे हम फर्स्ट नंबर एंटर करेंगे, ठीक है, सेकंड नंबर एंटर करेंगे और रिजल्ट पे, रिजल्ट तो करेंगे नहीं, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो रिस्पॉन्स यहीं पे आ रहा है, यहीं पे आ रहा है ना, ठीक है, क्योंकि मैंने फॉर्म के एक्शन में इसी को दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी पेज पे ही डिजाइनिंग करा हमने और इसी पेज पे ही हमें लिखना होगा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और पैरामीटर के नाम देने होंगे, इसका नाम है फर्स्ट नंबर, तो यहां पे आएगा, और फिर हमें लिखना होगा सेकंड नंबर, वो यहीं पे आएगा, है ना, और इसको होल्ड कर लिया हमने स्ट्रिंग एन वन, इसको हमने होल्ड कर लिया स्ट्रिंग एन टू, दो वेरिएबल में हो गए, दोनों वैल्यूज आ गए, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, अब इसको कन्वर्ट कर देना होगा हमें इंटीजर डॉट पार्स इंट, ठीक है, अगर ये नल नहीं है तो यहां कंडीशन डालना है कि इफ दे आर नॉट नल,
ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ नल वल का कंडीशन चेक नहीं कर रहा हूँ, बट एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग में करना चाहिए, नल की कंडीशन चेक करना चाहिए, है ना। यहाँ पे आई और जे में वैल्यू आ गई, ठीक है, और इंट सॉरी जेड इज इक्वल टू आई प्लस जे करना होगा, और अब हमें लिखना होगा रिस्पांस, अब इसका डेटा हमें तीसरे टेक्स्ट फील्ड पे दिखाना है, ठीक है। रिस्पांस डॉट गेट राइटर करेंगे तो वहां दिखेगा नहीं, हमें एज अ वैल्यू वहां पे ले जाके इसको सेट कराना है, ठीक है। जो भी डिफॉल्ट वैल्यूज होंगी वो हमें तीसरे टेक्स्ट फील्ड पे सेट कराना है। तो टेक्स्ट फील्ड में एक प्रॉपर्टी होती है वैल्यू, ठीक है, एक चीज और यहां पे देखेंगे, क्योंकि जैसे मान लो ये पहली बार चलेगा तो पहली बार में एक्सेप्शन आ सकता है, क्योंकि पहली बार चलेगा तो रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर में कोई वैल्यू मिलेगा ही नहीं। तो जैसे ये एप्लीकेशन अगर मैं रिफ्रेश करूं, सबसे पहले चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मैंने फर्स्ट नंबर दिया सॉरी, हाँ यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है, देखो सर्वर पे एक्सेप्शन आएगा जरूर कि रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर में तो कोई वैल्यू आई नहीं है, नल आ रही है ना, देखो यहाँ पे नल आ रहा है क्योंकि यहाँ पार्स कर रहे हैं, तो ठीक है नल नल करके आ रहा है, क्योंकि पहली बार तो नल आएगा ही, क्योंकि जब पहली बार ये चलेगा तो गेट पैरामीटर में तो कोई वैल्यू आ ही नहीं पाएगी, दूसरी बार जब चलेगा तो फिर ये सही चलने लगेगा, या तो हम एक और सर्वलेट बना के उस पर काम कर लें, है ना, सम इक्वल टू और प्लस यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं जेड को, तो पहली बार ये चलेगा तो कुछ हमें आउटपुट नहीं देगा, लेकिन दोबारा चलेगा तो सम पे जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारा सम देखें सर्वर पे आया क्या कुछ, एक मिनट यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास सर्वर में ये तो शुरू में चलेगा तो एक्सेप्शन आएगा, बाद में चला तो यहाँ पे सम आ गया ये, है ना। तो हमें यहाँ कंडीशन लिखना पड़ेगा कि अगर ये पहली बार चला है, फर्स्ट टाइम चला है, तो फर्स्ट टाइम पे वो चेक करे या रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर में अगर नल नहीं है, इफ नॉट नल, कंडीशन लगा देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कि इफ एन वन नॉट इक्वल इक्वल टू नल, इफ एन वन एंड एन टू नॉट इक्वल होता है, बस एक साथ नहीं चेक हो सकता है, एक मिनट चलो पहले एक ही नंबर के लिए लिखते हैं एन वन नॉट इक्वल टू नल, एंड एन टू नॉट इक्वल नल, अगर दोनों की वैल्यू नल नहीं है तो नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है तब ये एक्शन करना, नहीं तो मत करना, ठीक है। तो अब हमारे सर्वर पे कोई भी एरर वगैरह नहीं आएगा, ठीक है, देखो रीलोड हो गया ये, अब ये मान लो कि पहली बार चलता है, फर्स्ट टाइम चलता है, तो देखो कोई अभी रिफ्रेश करोगे तो पहली बार ही ब्राउजर पे यहाँ पे आपको सम दिखा देगा, बट वो आपको दिखाना नहीं है, है ना। तो आपको यहाँ पे लॉजिक लिखना पड़ेगा, पहला नंबर दिया दूसरा नंबर दिया, और हम जब सबमिट पे क्लिक करें तो रिजल्ट हमारा
वहां पे आ जाए, तीसरे टेक्स्ट फील्ड में आ जाए। तो जो तीसरा टेक्स्ट फील्ड है रिजल्ट वाला, उसमें एक टैग होता है हमारे पास वैल्यू, है ना। तो इनपुट टाइप नेम और एक होता है वैल्यू, है ना। और वैल्यू में यहां पे वैल्यू हमें किसकी भेजना है, अच्छा एक काम और करेंगे, ये जो कोड होगा यहां से कट करेंगे। सर वैल्यू होता है, सर वैल्यू ऑफ होता है। वैल्यू, वैल्यू ऑफ अलग चीज है, वैल्यू अलग चीज है। ये वैल्यू जो है इनपुट फील्ड का एट्रीब्यूट है। वैल्यू में जो वैल्यू लिख दोगे किसी भी फील्ड में वो वैल्यू दिखने लगती है ना। जैसे मैं लिख देता हूं समथिंग ये, तो रिजल्ट में यही दिखने लगेगा। अभी देखना, अभी रिफ्रेश नहीं हुआ है, देखो आ रहा है ना 34। तो जो मैं लिखूंगा वही आएगा वैल्यू, यहां पे दे दूंगा। और हमें अब ये वैल्यू नहीं चाहिए, अब हमें वो रिजल्ट की वैल्यू चाहिए, यानी कि जड चाहिए, जड, है ना। जड को यहां पे इंट जड यहां बना के रखो और यहां हटा दो, ठीक है। और वैल्यू में यहां पे इसकी वैल्यू चाहिए, तो यहां पे हम प्लस प्लस करके कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं जड को, जड की वैल्यू को। यार सिंगल कोड के अंदर प्लस प्लस एंड जड आ जाना चाहिए, इससे देखते हैं। इसको रिफ्रेश कर दिया, रिलोड कर दिया, अभी आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है, हो गलत आ रहा है ना। वो प्लस प्लस जड नहीं चाहिए, सिंगल कोड के अंदर फर्दर डबल कोड लगाना पड़ेगा फिर। इसका मतलब ये, हाँ अब आ रहा है, सही दिख रहा है अब। लेकिन यहां एरर आने लगा, क्या एरर आने लगा कि भैया द वेरिएबल मस्ट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, तो इसको हमने कर दिया स्टार्टिंग में इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब कोई एरर नहीं है, राइट। तो शुरू में जब ये चलेगा, ये आ गया शुरू में। अब चलो ठीक है, मैंने चलाया यहां पे, दिया भैया 45, फिर दे दिया मैंने 2, 45 में 2 जो लोगे ऐड करोगे 47। और क्या चाहिए भाई, और बताओ, यही चाहिए ना। हाँ सर। तो जो कुछ भी आपको चाहिए आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा ऐसे, मतलब अभी इसमें और सुधार करा जा सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसमें बग नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको और सुधार करा जा सकता है। लेकिन जो कुछ भी करोगे आप चाहते हो कि किसी एचटीएमएल में कोई डायनेमिक कंटेंट दिखे, तो वो एचटीएमएल ही पूरा उठा के डालना पड़ेगा कहां पे, सर्वलेट में, ठीक है। इस तरह से करना पड़ेगा, इस तरह से लॉजिक लिखना पड़ेगा। यही तो सर्वलेट का ड्रॉबैक है, इस तरह से ड्रॉबैक है। इसका सोल्यूशन हम आगे देखेंगे क्या इसका सोल्यूशन है। बट अगर आपको कभी भी खुदा ना खास्ता किसी सर्वलेट में एचटीएमएल की कोडिंग करनी हो, तो ऐसे ही करनी पड़ेगी आपको, इसी तरह से ही लॉजिक आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर। और भी क्वेश्चन, और किसी का कोई क्वेरी? रुक रहा है आपका सर, आवाज रुक रहा है सबको, आवाज रुक रहा है या तुम्हें ही रुक रहा है? आ रहा है, ठीक है। तो हेलो,